बिहार की सियासत में कुछ हलचल ना हो, बिहार की सियासत कभी शांत रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए एक बार फिर से बिहार और दिल्ली के बीच में तमाम चर्चाएं हैं कि क्या एक बार फिर से खेला होने जा रहा है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब से स्वस्थ होकर आए हैं राजनीति में थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं, पार्टी में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बड़ा खेला करने वाले हैं, इसीलिए बिहार की सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल बीते दो तीन दिनों में कई चीजें हुई। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मंगलवार को मिले और उसके बाद दूसरे ही दिन लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और विधानसभा के चुनाव लड़ रहे पूर्व प्रत्याशियों की बैठक बुला ली। और यही संयोग देखिए कि बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चल रही एनडीए की बिहार में, इसी को संभालने के लिए बीजेपी के सुबह सुबह पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंच गए। पटना पहुंचते ही उन्होंने सिर्फ पार्टी कार्यालय में एक औपचारिकता नेताओं से मुलाकात की और सभी नेताओं के साथ मिलकर के, यानी दोनों डिप्टी सीएम समेत कई नेताओं के साथ लेकर के सीएम आवास पहुंच गए। सीएम आवास में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें एक संयोग हैं, ये सियासी संयोग है या फिर कोई नया प्रयोग और नई पटकथा लिखी जा रही है, इसकी चर्चाएं अब तेज हो गई। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय में मिले। नीतीश कुमार और तेजस्वी की ये मुलाकात 1-to-1 थी, यानी कोई नहीं था और सब कुछ तयशुदा था। बिहार में सूचना आयुक्त के पद पर होने वाली नियुक्तियों पर मशविरा की बात कही गई। सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसीलिए दोनों नेता मिले। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके इतर कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि एक नई सियासी केमिस्ट्री को लेकर के भी चर्चा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव जब बाहर निकले तो उन्होंने खुद कहा और पूरी स्थिति बता दी। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ नियुक्तियां होनी हैं जिस पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा हुई है, सरकार इस संबंध में विधिवत जानकारी देगी। सारा पूरा मामला उन्होंने सरकार की तरफ टाल दिया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक बात और कही कि 65% आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में डालने के मुद्दे पर भी उन्होंने सीएम के सामने अपनी बात रखी है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो भी कोर्ट पहुंच गए हैं, सरकार अपनी बात कोर्ट में रखे, वो भी अच्छी तरह से बात रखेंगे। लेकिन इस मेल मुलाकात और तेजस्वी और नीतीश के बीच में हुई चर्चा के बाद बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा समेत तमाम जिलों में जाकर के न सिर्फ बैठक करनी है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की तमाम तोहफे भी उन्हें देने हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष के रूप में वो कई जगह नेताओं और विधायकों से मुलाकात भी करेंगे जिसमें सांसद भी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ लालू यादव अपने विधायकों, एमएलसीओं के साथ बैठ करके क्या चर्चाएं कर रहे हैं इसकी भी सुगबुगाहट है। लालू यादव ने बुधवार को बैठक की विधायकों के साथ, विधान परिषद सदस्य और विधानसभा चुनाव में लड़ चुके प्रत्याशियों यानी पूर्व प्रत्याशियों को भी बुलाया गया। आरजेडी की तरफ से बैठक के बारे में सबको ये सूचना दी गई कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। तेजस्वी यादव 10 सितंबर से बिहार आभार यात्रा शुरू करने वाले हैं। माना जा रहा है कि लालू यादव इसकी यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, इसीलिए आरजेडी ने अपने नेताओं को बुधवार को बैठक बुला करके उनको संबोधित कर दिया है। हालांकि इसी बीच में कांग्रेस और तमाम पार्टियाँ भी एक्टिव हो गई हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो चर्चा है, एक पुराना वीडियो भी लगातार शेयर किया जा रहा है। आपको बताते हैं कि बिहार सचिवालय में नीतीश और तेजस्वी की एक तरफ मुलाकात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लालू यादव अपने नेताओं के साथ बैठक बुला चुके थे। नीतीश और तेजस्वी के बीच मुलाकात के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग में अचानक बिहार के सियासी समीकरण और यहां की सरगर्मी को बढ़ा चुके हैं। तेजस्वी की बैठक का मकसद सूचना आयुक्त की नियुक्ति थी, ये सिर्फ कयास है, लेकिन इसके पीछे की जो चर्चाएँ हुई हैं वो ये कहा जा रहा है
कि इससे आगे की बातें हुई हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीति के जानकारों का मानना है कि राज्य में मौजूद राजनीतिक हालात पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। बिहार में सियासी खेल के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि साल 2022 में तेजस्वी और नीतीश की ऐसी ही एक दो मुलाकातें हुई थी, फिर सूबे में सियासी गेम पलट गया था और उस समय भी तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना कराने की मांग की बातें ये कही थी कि नीतीश कुमार से मिले हैं और सामान्य बात हुई है और इस पर वो बात करते हुए चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। नीतीश ने तेजस्वी की मांग को उचित माना था और उसके बाद एक दो मुलाकातें हुई और उसके बाद डील डन हो गई। इसी तरह नीतीश कुमार एनडीए का पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। महागठबंधन की सरकार बिहार में अस्तित्व में आ गई थी। नीतीश और तेजस्वी की इस मुलाकात के बाद एनडीए खेमे में भी हड़कंप है। दरअसल तेजस्वी और नीतीश की 1-to-1 मुलाकात 8 महीने बाद हुई है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद पटना से दिल्ली आने के दौरान दोनों को एक ही फ्लाइट में देखा गया था। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ राज्य सूचना आयुक्त के मुद्दे पर तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात को लेकर तमाम दलीलें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब दो नेता मिलते हैं तो सिर्फ एजेंडे पर बात नहीं होती, ना ही एक दूसरे की खैरियत पूछी जाती है। सियासी बातें और राजनीतिक समीकरण को लेकर भी एक दूसरे का मन टटोला जाता है और हो सकता है नीतीश और तेजस्वी के बीच में जो मुलाकात हुई है उसमें कई बातें ऐसी ही हो। हालांकि इस बीच में एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में प्रवेश के खातिर लालू और नीतीश के खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश के खातिर। यानी उन्होंने तो सीधे तौर पर चुनाव से पहले ही अपील कर डाली है। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव कई मोर्चों पर लगातार एक्टिव हैं। जब से उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक हुआ है तो सियासी गतिविधियों को लगातार वो अंजाम दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। इससे पहले आरजेडी ने अपने सभी विधायकों, विधान परिषदों और तमाम लोगों की 4 सितंबर को बैठक बुलाई थी और पटना में इस बैठक के बाद कई निर्णय लेने के लिए भी चर्चाएं शुरू हो गई। अब माना जा रहा है कि जेपी नड्डा जिस तेजी के साथ बिहार पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से मिले हैं, अपने पार्टी नेताओं से सिर्फ औपचारिक बात की है, तो माना जा रहा है कि बिहार की जो स्थिति है वो सिर्फ मुलाकात और हालचाल तक सीमित नहीं, इसके पीछे भी कई सियासी समीकरण और तमाम अहम मुद्दे छिपे हुए हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर जाती है और क्या परिवर्तन होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।